दोस्तों, अगर आप भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज आईपीएल 2022 का जो फाइनल मुकाबला खेला गया उसी रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में तो आज हम आपको बताने वाले ही हैं। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट को जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या में से आपको इस साल आईपीएल 2022 में किसकी कप्तानी अच्छी लगी, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। तो वहीं दोस्तों, इस मैच में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम गुजरात के बाजों के सामने बिखर गई और वो ज्यादा बड़ा स्कोर कर नहीं पाई। दरअसल दोस्तों, 20 ओवर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 130 रन ही बनाए और 131 रनों का लक्ष्य गुजरात टाइटंस की टीम को मिला। लेकिन दोस्तों, आज की इस पिच पर 131 रन बना पाना भी गुजरात के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुकी थी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि आज जब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर उतरे थे तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला बड़ा झटका राजस्थान की टीम को यश दयाल ने दिया था और यशस्वी आज 16 गेंदों में मात्र 22 रन ही बना सके थे, जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख पा रहे होंगे। तो वहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे संजू सैमसन, जहां संजू सैमसन का भी बल्ला आज चला नहीं और वो बस मात्र 11 गेंदों में 14 रन बनाकर ही आउट हुए और उनको हार्दिक पांड्या ने आर साई किशोर के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं संजू और यशस्वी के विकेट के गिर जाने के बाद फिर जॉस बटलर और देवदत्त पडिक्कल पर पूरा दारोमदार था। लेकिन दोस्तों, यहां पर किसी को क्या ही पता था कि देवदत्त पडिक्कल एक बार फिर से अपना खराब फॉर्म जारी रखेंगे और इस फाइनल मुकाबले में भी वो बस 10 गेंदों में 2 रन बनाकर भी पवेलियन लौटे। तो वहीं दोस्तों, ये तीसरा बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे शिमरॉन हेटमायर। यहाँ पर शिमरॉन हेटमायर और जॉस बटलर के बीच अच्छी साझेदारी होती, उससे पहले ही जॉस बटलर का भी विकेट गिर गया। जी हाँ दोस्तों, जॉस बटलर 35 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए। हालांकि दोस्तों, बटलर के आउट होने के बाद फिर रविचंद्रन अश्विन मैदान पर आए, जो कि 9 गेंदों में 6 रन ही बना सके। शिमरॉन हेटमायर ने 12 गेंदों में 11 रनों की पारी खेली। हालांकि फिर अंतिम ओवर में जाकर रियान पराग ने 15 रन बनाए, ट्रेंट बोल्ट ने 11 रन और ओविड मकॉय ने 8 रन की पारी खेली। और इसी के साथ इन्हीं बल्लेबाजों के प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 130 रन ही बना सकी। तो यही दोस्तों, इस मैच में अगर गुजरात की गेंदबाजी की बात की जाए तो गुजरात की तरफ से शानदार गेंदबाजी करवाते हुए दिखाई दिए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 17 रन देकर 3 बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वहीं आर साई किशोर को 2 ओवर फेंकने का मौका मिला और 20 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए। फिर मोहम्मद शमी, यश दयाल और राशिद खान को 1-1 विकेट मिला। तो इसी के साथ जब गुजरात टाइटंस की टीम 131 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी तो यहां पर गुजरात की तरफ से आज ओपनिंग करने के लिए एक बार फिर से मैदान पर उतरे रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, यहां पर रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल आज के इस मुकाबले में अपनी साझेदारी को बड़ा नहीं कर पाए। दरअसल दोस्तों, पहला ही झटका प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले ओवर और पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर दे दिया, जहां रिद्धिमान साहा 7 गेंदों में मात्र 5 रन ही बना सके, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे। तो वहीं शाह के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे मैथ्यू वेड, जो कि आज आते से ही एक छक्का तो लगा बैठे थे। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल उनका भी विकेट गिरने वाला था, जो कि 10 गेंदों में मात्र 8 रन ही बना सके। तो वहीं मैथ्यू वेड के आउट होने के बाद फिर हार्दिक पांड्या पर दारोमदार था इस मुकाबले में अच्छी पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ मिलकर करने का। लेकिन दोस्तों, फिर इसी बीच हार्दिक पांड्या, जो कि आज के इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और इस मुश्किल पिच पर छक्के और चौकों की बरसात करते हुए वो दिखाई भी दिए। लेकिन दोस्तों, फिर इसी बीच युजवेंद्र चहल ने उनको अपना शिकार बनाया, जहां युजवेंद्र चहल ने उनको यशस्वी जायसवाल के हाथों स्लिप में कैच आउट करवाया और हार्दिक पांड्या आज 30 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पांड्या के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे डेविड मिलर, जहां डेविड मिलर और शुभमन गिल के बीच में हम सभी को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने के लिए मिली और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां गुजरात टाइटंस की टीम को फाइनल मुकाबले में जीत के बेहद ही करीब ले जाकर छोड़ दिया और इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम ने मैच जीतकर इतिहास रच दिया। बाकी आप सभी यहां पर देख भी सकते हो आज के इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन गुजरात टाइटंस की टीम का रहा। बाकी दोस्तों, अगर राजस्थान के गेंदबाजों की बात की जाए तो राजस्थान की गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिला और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है कि आईपीएल 2022 की असली विनर कौन सी टीम थी आप सभी के अनुसार? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा।